नेक्स्ट वी आर लर्न अ फ्रैक्शन ऑफ ए कलेक्शन एंड मल्टीपल ऑफ ए फ्रैक्शन. 1/4 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स. यहाँ पर हमें दिए 20 डॉट्स दिए और उसका 1/4 कलेक्शन देखा है. तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 4 क्या है डिनोमिनेटर में, इसलिए हम इसके 4 पार्ट्स बना लेंगे. 20 डॉट्स के 4 पार्ट्स बनाए तो हर एक पार्ट्स में कितने आए, फिर 5 डॉट्स आए. तो वैसे हमने 4 पार्ट्स बनाए, यानी कि 20 को हमने 4 से डिवाइड किया इस तरह से. तो हमें यहाँ पर आंसर मिलता है 4 4 4 4. ऐसे हमने यहाँ पर जो 5 5 डॉट्स के 4 पार्ट्स बनाए थे, इसमें से हमें 1/4 यानी कि इस 4 पार्ट्स में से 1 हमें निकालना है. तो ये कलर किए हुए जो पार्ट है वो है 5. तो ये जो रहता है 1/4 पार्ट ऑफ ए 20 इज इक्वल टू 5, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी कि 20 डिवाइडेड बाई 4. नेक्स्ट है यहाँ पर 1/2 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स. तो 20 डॉट्स का यहाँ पर कलेक्शन दिया है, 1/2 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स दिया है. तो यहाँ पर 2 बनाने हैं हमें बॉक्स, यानी कि 20 को हमें 2 से डिवाइड करना है. तो हर एक बॉक्स में आते हैं 10, तो 1/2 कितने हुए फिर 10. नेक्स्ट है यहाँ पर 3/4 ऑफ ए कलेक्शन ऑफ 20 डॉट्स. तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले 1/4 निकालना होगा. तो 20 डॉट्स के 1/4 1/4, यानी कि न्यूमरेटर पर क्या है 3 है, इसलिए 1/4 1/4 अगर हम करते हैं तो 1 को हमें 3 बार एडिशन करनी होती है, क्योंकि जो डिनोमिनेटर रहता है वो तो सेम रहता है. इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि 3/4 ऑफ ए 20 इज 3 times. 1/4 जो है वो 3 times होना चाहिए पार्ट्स ऑफ ए 20, दैट इज़ 15 डॉट्स जो है वो कलर किए हुए हैं. यानी कि हम यहाँ पर 4 इसके 4 यानी कि 20 को हम 4 से डिवाइड करके भी आंसर निकाल सकते, तो हमें 5 मिल सकता था, यानी कि 1/4 जो पार्ट है वो 5 मिल सकता है. लेकिन हमें यहाँ पर 3/4 चाहिए, इसलिए 5 × 3 करके हम यहाँ पर 15 यह आंसर बना सकते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर 2 × 5 = 10. तो ये किस तरह से हो सकता है कि 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 मिलता है. इसलिए 2 रोज़ अगर हम 5 बॉल्स के बनाते हैं तो यहाँ पर 2 रोज़ बनाते हैं तो ये पूरे बॉल्स बन जाते हैं 10. तो इसलिए हम यहाँ पर ये प्रूव कर सकते हैं कि 2 × 5 = 10. नेक्स्ट है यहाँ पर 1/2 × 10. तो 1/2 इसके 10 के निकालने, इसलिए हम 10 को 2 से डिवाइड करने पर यहाँ पर हमें 2 बॉक्स करने पर यहाँ पर 5 5 बॉल्स के 2 बॉक्स मिलेंगे. इसलिए हम 1/2 × 10 = 5 आंसर यहाँ पर निकाल सकते हैं, यानी कि 10 को 2 से डिवाइड कर लें. अगर हमें कोई भी यहाँ पर बनाने के लिए निकालने के लिए दिया होता है कि 1/2 × 10, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर 2 से 10 को डिवाइड करेंगे. नेक्स्ट है यहाँ पर 3 × 5, मतलब कि 5 को 3 से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. तो 5 5 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर 5 3 बनते हैं 15. नेक्स्ट है यहाँ पर 1/3 × 15. तो यहाँ पर भी हम जो इस एग्जांपल में क्या ऐसा कर सकते हैं कि न्यूमरेटर जो है 1 है और डिनोमिनेटर हमें दिया है यहाँ पर 3, तो हम 15 को 3 से डिवाइड करके यहाँ पर आंसर मिल सकता है हमें 5, यानी कि 1/3 × 15 = 5. यहाँ पर आंसर सॉल्व करके दिया है. नेक्स्ट है यहाँ पर 2/3 × 15. तो सबसे पहले यहाँ पर जो न्यूमरेटर है 2 है, इसलिए हमें यहाँ पर 1/3 निकालना होगा. तो 1/3 × 15 एंड टेक इट ट्वाइस, और उसे हम 2 times से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो 1/3 जो 15 का वो है 5, मतलब कि 15 को हम 3 से डिवाइड करने पर आंसर मिलता है 5. तो 5 × 2 बन जाता है 10. इस तरह से हमें आंसर मिल सकता है 10. तो 2/3 × 15 = 10. इस तरह से एग्जांपल्स हमने यहाँ पर सॉल्व किए, किस तरह से सॉल्व किए ये देखें. अब आगे हमें देखना है यहाँ पर प्रॉब्लम सेट 23. व्हाट इज 1/3 ऑफ ईच ऑफ द कलेक्शन गिवन बिलो. नीचे हमें कुछ कलेक्शन दिए, उसके 1/3 पार्ट्स हमें निकालना है. तो 15 पेंसिल्स दिए सबसे वन नंबर, तो 1/3 ऑफ 15 पेंसिल्स, देयर फॉर 15 / 3 = 5. नेक्स्ट 1/3 ऑफ 15 = 5 पेंसिल्स. 21 बलून्स जो दिए है उसके हमें 1/3 पार्ट्स निकालना है. तो 1/3 ऑफ 21 बलून्स, देयर फॉर 21 / 3 = 7. देयर फॉर 1/3 ऑफ 21 = 7 बलून्स. नेक्स्ट सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, व्हाट इज 1/5 ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर 1/5 पार्ट्स हमें इस कलेक्शन के निकालने हैं. 20 rupees, तो 1/5 ऑफ 20 rupees, देयर फॉर 20 / 5 = 4. नेक्स्ट 1/5 ऑफ 20 = 4 rupees.
30 किलोमीटर्स के हमें 1/5 निकालने हैं, तो 1/5 अप 30 किलोमीटर्स, देयर फॉर 30 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 6, देयर फॉर 1/5 अप 30 इज इक्वल टू 6 किलोमीटर्स। इस तरह से एग्जांपल्स मैंने टू एग्जांपल्स मैंने सॉल्व करके दिए, बाकी के आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया है, फाइंड अ पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इक्वल टू द गिवन फ्रैक्शंस। तो ये जो फ्रैक्शंस दिए ये हमें निकालने हैं, 2/3 पार्ट्स ऑफ 30, तो 2 गेट 2/3 टाइम्स ऑफ 30 इज टू बी फाइंड 1/3 टाइम्स ऑफ 30 एंड टेक इट वाइज। नेक्स्ट हमें यहाँ पर 1/3 निकालने पर वहाँ पर उसके जो आंसर मिलेगा उसे ट्वाइस बनाना है, तभी हम यहाँ पर 2/3 पार्ट जो है 30 का वो बना सकते हैं। तो 1/3 ऑफ 30 इज इक्वल टू 10, देयर फॉर ये जो 30 है 30 को हम ये जो 30 है इसे हम अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें आंसर मिलता है 10, देन ट्वाइस ऑफ 10 इज इक्वल टू 20। नेक्स्ट यहाँ पर दिया है 2/3 ऑफ 30 इज इक्वल टू 20। सेकंड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 7/11 ऑफ 22, 2 गेट 7/11 टाइम्स ऑफ 22 इज टू फाइंड 1/11 टाइम्स ऑफ 22 एंड टेक इट 7 टाइम्स। और हमें 1/11 टाइम्स निकालना है और उसके बाद उसको 7 टाइम्स यानी कि 7 से मल्टीप्लाई करना है, देयर फॉर 1/11 ऑफ 22 इज इक्वल टू 2, देयर फॉर 7/11 ऑफ 22 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 7, देन आंसर हमें मिलता है यहाँ पर 14, देयर फॉर 7/11 ऑफ 22 इज इक्वल टू 14। इस तरह से आंसर हमें यहाँ पर मिलता है। प्रॉब्लम से 23 सॉल्व करने के बाद हम देखने वाले यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन किस तरह से होते हैं सॉल्व नहीं करना, लेकिन सिर्फ जान लेना है, हमें इसके बारे में जानकारी लेनी है। मिक्स फ्रैक्शन, तो हाफ अपे ईच ऑफ 3 सर्कल्स इज कलर्ड। तो यहाँ पर 3 सर्कल्स जो है उसके हाफ हाफ पार्ट जो है वो कलर किए हुए एंड दैट इज 3 पार्ट्स ऑफ ईच इक्वल टू 1/3। तो कलर किए हुए जो पार्ट्स है उसके अगर हम एडिशन करते हैं तो 1/2 + 1/2 + 1/2 दैट इज 3/2 ए एडिशन उसकी बन जाती है। तो 3/2 जो रहते हैं उसमें से अगर हम ये जो दो पार्ट्स है 1/2 और 1/2 तो इसके एडिशन बन जाती है 2/2 इज इक्वल टू 1, देयर फॉर 1 + 1/2 ऐसे भी हम इसकी एडिशन बना सकते हैं। तो 1 + 1/2 इज रिटर्न एज 1, तो अपन यानी कि ये 1 जो है 1 इंटेगर 1/2 ऐसे हम इसे रीड कर सकते हैं, या 1/2 जो है इसे हम ऐसे भी रीड कर सकते हैं कि 1 and 1/2 इस तरह से हम इसे रीड कर सकते हैं। तो इन द फ्रैक्शन 1 and 1/2, 1 इज द इंटेगर पार्ट ऑफ द 1/2 एंड इज द फ्रैक्शन पार्ट, देयर फॉर हेन सच फ्रैक्शंस आर कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उसे हम मिक्स फ्रैक्शन कह सकते हैं और मिक्स नंबर्स भी हम इसे कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया 2 integer 2 1/4 और 2 and 1/4 ऐसा हम इसे रीड कर सकते हैं, 3 and 2/5 और 3 integer 2/5 ऐसे भी हम इसे रीड कर सकते हैं, 7 and 4/9 आर ऑल मिक्स फ्रैक्शंस एंड फ्रैक्शंस इन विच द न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर आर कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जिस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उस फ्रैक्शन को हम यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस ऐसा कह सकते हैं। 3/2 और 5/3 इसमें जो न्यूमरेटर से वो डिनोमिनेटर से बड़े होते हैं, इसलिए इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कहते हैं एंड वी कैन कन्वर्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू मिक्स फ्रैक्शन। इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 3/2 जो पार्ट है उसे हम देख सकते हैं कि 2 + 1, 3 जो है इसमें 2 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं क्योंकि उसका डिनोमिनेटर 2 दिया है, इसलिए 2 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 जो होता है वो 1 बन जाता है और बाकी रह गया फिर 1/2, यानी कि 1 integer 1/2 ये इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह से मिक्स फ्रैक्शंस को भी हमने यहाँ पर देखा है। इस पर आधारित कुछ एग्जांपल्स आपको नहीं दिए लेकिन ये आपको समझ लेना है। इस तरह से फ्रैक्शंस यह लेसन यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है।